हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी मोटर टॉर्शन। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं, कस्टमर फीडबैक देने वाले हैं टाटा नेक्सोन का, और आप सबको बताएंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और एक्चुअल कस्टमर ओनर रिव्यू। तो मेरे साथ है हमारे घर के पहले एसडीओ, सबसे छोटे एसडीओ अंकित जी, जिन्होंने ये गाड़ी ली है, और स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज बता दूं कि अगर आप हरियाणा से हैं और टाटा की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे थ्रू बेस्ट ऑफर जो है सिरसा में मिलेगा। पूरे हरियाणा में सबसे बेस्ट डील जो आपको सिरसा से मिलेगी आरपीजी मोटर से। आपको ये मेंशन करना होगा कि आप मोटर टॉर्शन के थ्रू कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीलर का कॉन्टेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में भी आपको जो है बेस्ट डील हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपको कॉन्टेक्ट करना होगा मोटर टॉर्शन से, नीचे कॉन्टेक्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अंकित जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा वेरिएंट है। हम हरियाणा सिरसा में हैं, और ये कौन सा वेरिएंट है और कितने का पड़ा आपको ऑन रोड? ये टाटा नेक्सोन XM वेरिएंट है, और इसकी कॉस्ट मेरे को लगभग 8,70,000 रुपए में ये मेरे को ऑन रोड पड़ी है। ये पेट्रोल वेरिएंट है? हाँ बिल्कुल, पेट्रोल वेरिएंट है। कौन कौन सी गाड़ी आपने टेस्ट ड्राइव करी ये गाड़ी खरीदने से पहले? ये गाड़ी खरीदने से पहले मैंने एक तो बलेनो मारुति सुजुकी की, और इसके अलावा i20 हुंडई, दोनों की टेस्ट ड्राइव ली थी। लेकिन जब सबसे पहले मैंने ली थी मारुति की गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, और उसके बाद ली मैंने i20 की। तो मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बताया कि टाटा नेक्सन जरूर ट्राई करना। तो जब मैंने टाटा नेक्सन जब ड्राइव करी और टेस्ट ड्राइव ली, तो उसके बाद मेरा i20 और बलेनो उनकी तरफ मतलब मन ही नहीं गया अभी उस वो गाड़ी लेने, क्योंकि ये गाड़ी अगर आप चलाओगे तो ऐसा लगता है आप वाकई ही आप गाड़ी चला रहे हो। वो गाड़ियां इस गाड़ी के मुकाबले आप हल्की को कुछ को, लेकिन ये गाड़ी चलाने में जो मजा आता है वो गाड़ी चलाने में वो बलेनो और i20 कहीं भी इस गाड़ी के पास नहीं है। ओके जी, तो इसके अलावा जैसे एसयूवी की बात करें तो ये तो बलेनो और i20 की, आपने किसी और एसयूवी के साथ भी? बिल्कुल, मैंने इसको किया सोनेट के साथ कंपेयर करा था, तो किया सोनेट में मेरे को थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत लगी, बाकी किया सोनेट भी अच्छी गाड़ी लगी मेरे को। थोड़ा सा उसका स्पेस जो है, अगर मैं बैठता हूँ सीट में, पीछे वाली सीट में या फ्रंट सीट में, तो उसका स्पेस थोड़ा सा मेरे को कम लगा, जिसकी वजह से मैंने किया सोनेट की बजाय नेक्सन चूज करी। तो नेक्सन में आपको रियर में और फ्रंट में स्पेस बिल्कुल सही लगा? बिल्कुल परफेक्ट स्पेस है। आम अगर हम 5 सीटर गाड़ी इसको कहते हैं, तो 5 लोग इसमें आराम से बिल्कुल तसल्ली से इसमें बैठ सकते हैं, पीछे 3 लोग कम्फर्टेबली बिल्कुल कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं। अच्छा, अगर वेरिएंट की बात करें तो जैसे कि XM वेरिएंट है, तो और भी वेरिएंट्स आते हैं, XZ, XZ+, XE, तो आपका XM का प्लान क्यों बना? इसका प्लान तो ऐसा है, ये मेरे बजट फ्रेंडली भी थी और फीचर फ्रेंडली भी थी। भी इतने बजट में मेरे को जो फीचर चाहिए थे वो दोनों चीजें मेरे को इस फीचर मतलब इस वेरिएंट में मेरे को मिल गई। ओके, और बात करें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि लोग गाड़ी खरीदने से पहले सोचते हैं, माइलेज आपको क्या मिल रही है इस गाड़ी की? माइलेज जैसे मैं कल ही भिवानी से आया हूँ, तो ऑन रोड इसकी मेरे को एवरेज 19 के लगभग, हाईवे पे अगर मैं 80-90 के लगभग चला रहा हूँ तो मेरे को हाईवे पे 19-19+ की एवरेज मिल रही है मेरे को हाईवे पे। ओके, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है कि अगर आप अच्छी माइलेज लेना चाहते हैं, तो अगर आप आरपीएम 2000 से आसपास रखते हैं और 80-90 की स्पीड पे चलाते हैं, तो आपको बेस्ट माइलेज है वो मिल जाती है गाड़ी की। ओके, तो सर ये बताइए कि ओवरऑल आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी के साथ? स्टीयरिंग आपको कैसा लगा, और गियर लैग्स वगैरह कोई आपको फील हुए? नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं गाड़ी की ड्राइविंग से। इससे पहले मैंने i10 ग्रैंड चलाई है, इससे पहले मैंने स्विफ्ट डिजायर चलाई है 1 साल। तो इस गाड़ी को आप जितनी, क्योंकि ये कहते हैं स्विफ्ट से उनसे बड़ी गाड़ी है, लेकिन बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इसकी, ना कोई गियर शिफ्ट में कोई प्रॉब्लम है, ना कोई ड्राइविंग प्रॉब्लम, बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इस गाड़ी की, बहुत ही ज्यादा। ओके, जब आप गाड़ी चलाते हैं, जो नीचे क्लच है या पैडल, आपको कई बार ऐसा लगता है कि जो उनमें स्पेस है वो कम है, या आपका पैर थक जाता है, थकान हो जाती है? नहीं, ये आपने बताया तो मैंने नीचे देख के सोचा, लेकिन मेरे को आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा, और ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट की अगर हम बात करें, जैसे आप ड्राइव करते हैं भिवानी, तो 2-3 घंटे की ड्राइव हो जाती है, तो आपको थकावट महसूस होती है? बिल्कुल महसूस नहीं होती, सिंगल रन में बिना कोई प्रॉब्लम के मैं ड्राइव कर लेता हूँ 2-2.5 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, बहुत कंफर्टेबल है। ओके, और बात करें वाइब्रेशंस की, तो जब आपकी गाड़ी स्टार्ट करते हो आप, तो वाइब्रेशंस होती है? हल्की वाइब्रेशन, जैसे आप कह सकते हैं इसका इंजन बड़ा है, 1200 cc टर्बो इंजन है, तो हल्की वाइब्रेशन है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो हल्की वाइब्रेशन हम कह सकते हैं थोड़ी सी। अच्छा, आपको इस गाड़ी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी?
बिल्ड क्वालिटी का तो ऐसा है, आप 5 स्टार रेटिंग दी है इसको, तो बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा वहीं से लगा सकते हो। बहुत ही बढ़िया। ओके, और ब्रेकिंग की बात करें इस गाड़ी की, तो ब्रेकिंग कैसी लगी आपको? ब्रेकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा। और सस्पेंशन सिस्टम की बात करें, आपको कई बार ऐसा फील होता है कि यार झटके ज्यादा लगता है, यार अच्छे होना चाहिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं इस गाड़ी की खासियत की आपको बात करूं, ये इतनी हैवी गाड़ी, अगर मैं इसको 100 प्लस चलाऊंगा तो मेरे को फील ही नहीं होती भी 100 से नीचे चल रही है, 100 प्लस चल रही है, इस गाड़ी की खासियत है। और बात करें, जैसे आपने अभी 100 प्लस की बात कर दी, तो 100 प्लस पे आपको कैसे लगता है कि ड्राइविंग स्मूथ लगती है, या आपका मतलब ऐसा लगता है कि डर सा लगता है कि गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, ऐसा कुछ स्टेबल नहीं है गाड़ी, जम के नहीं चल रही है, ऐसा कुछ लगता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं लगता। जो गाड़ी 100 से नीचे चलती है 60-70-80 की स्पीड है, वही गाड़ी अगर मैं 120-130 पे चलाऊंगा तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलती है। बंदे को ओके। अच्छा, आपको इंजन नॉइस वगैरह महसूस हुई इसमें? माइनर इंजन नॉइस, अगर मैं इसकी बात करूं तो माइनर इंजन नॉइस है इसकी। ओके, और अगर फ्रंट विजिबिलिटी की बात करें, तो फ्रंट की विजिबिलिटी कैसी है आपको, कैसे क्लियर दिखता सब? फ्रंट की विजिबिलिटी बिल्कुल प्रॉपर है, थोड़ी सी ये साइड पिलर की विजिबिलिटी है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये जो ए पिलर्स आपके। हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और तो ओवरऑल आप पूरे सेटिस्फाइड है इस गाड़ी से? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, तो ही तो ये गाड़ी ली है, बहुत जनों से रिव्यू लेके किस हिसाब की गाड़ी है, तो तभी ये मैंने गाड़ी लिया, तो सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं इस गाड़ी से। ओके, और सबसे पॉजिटिव और सबसे नेगेटिव अगर आप बताना चाहो तो कुछ लगा आपको? पॉजिटिव, सबसे बड़े पॉजिटिव इस गाड़ी का ये है भी, ये गाड़ी अगर हम चलाते हैं, चाहे हम 100 पे चलाएं, 70 पे चलाएं, 120 पे चलाएं, तो ये गाड़ी बिल्कुल जम के चलती है। और एवरेज, जैसे स्टार्टिंग में मेरे को एवरेज का थोड़ा सा इशू लगा, लेकिन अब अगर मैं गाड़ी की एवरेज की बात करूं, तो मैं ऑन एंड एवरेज इसकी 18 प्लस इसकी एवरेज भी निकाल रहा हूं, एवरेज की प्रॉब्लम भी मेरी नहीं आ रही, और गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा इजी और स्मूथ है। और अगर मैं नेगेटिविटी की बात करूं, इसमें माइनर जो मैं कह सकता हूं, एक इंजन वाइज जो हल्की फुल्की है इसकी इंजन वाइज में, अगर वो थोड़ी सी एक नेगेटिव चीज है, और एक साइड का पिलर का थोड़ा सा इशू है इसका भी, जो व्यू है वो सारा का सारा अगर मैं कहीं से मुड़ता हूं तो वो सारा ब्लॉक हो जाता है व्यू, तो ये थोड़े से दो नेगेटिव चीजें, और बाकी गाड़ी ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो गाड़ी बहुत इस रेंज में बहुत बढ़िया गाड़ी है। ओके ओके, सो अंकित जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस, और यहाँ पे आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए हर एक अच्छी वीडियो लेके आए, और आपकी जो कंफ्यूजन है गाड़ी खरीदने के मामले में वो दूर करें। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए ये 3 काम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।